नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HP टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो देकर आया हूँ, ये जो आपका आने वाला HP टेट 2021 में है, इसके लिए काफ़ी ही बेस्ट वीडियो है ये। इसके अंदर मैं आपके साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, और ये जो क्वेश्चन हैं ये पहले भी आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर एनक्रेजिंग सेल्फ लर्निंग, मतलब स्व शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन मेथड। आप यहाँ पर सभी ऑप्शंस देख लीजिएगा, जो सही उत्तर है मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वॉज फर्स्ट प्रोमुलगेटेड बाई, मतलब कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप को सबसे पहले प्रख्यापित किया था किसने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन है, हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब किसने कहा था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन, डिस्कार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मतलब किसने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। तो यह कहा था ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेरिडिटेरी फैक्टर्स ऑफ लर्निंग आर, पहला ऑप्शन है हाइट एंड वेट, दूसरा है फिजिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है बॉडी कॉम्पोजिशन, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा सीखने के वंशानुगत कारक जो हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज़ अ टेक्निक, जो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है ये एक टेक्निक है कौन सी। तो इसका सही उत्तर है टू ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशन इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस कंडीशन इज, स्ट्रेस कंडीशंस कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेट्रीमेंटल टू द परफॉर्मर, यानी तनाव की स्थिति कौन सी है जिसमें कलाकार के लिए हानिकारक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायलेंस एसोसिएटेड विद द कॉम्पिटिशन स्पोर्ट इज़ मेनली ड्यू टू, मतलब प्रतियोगिता के खेल से जुड़ी हिंसा मुख्य रूप से है क्या। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिटी ऑफ स्पेक्टेटर्स विद टीम्स ऑन रेशियल रिलीजियस एंड नेशनल कंसिड्रेशन, मतलब कि नस्लीय धार्मिक या राष्ट्रीय विचारों पर टीमों के साथ दर्शकों की पहचान। अगला क्वेश्चन है, द पर्सनल फैक्टर इन लर्निंग आर, जो पर्सनल फैक्टर होते हैं लर्निंग में कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर है हेरिडिटरी फैक्टर, फिटनेस फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर या सभी के सभी। तो ये सारे के सारे पर्सनल फैक्टर के अंदर आते हैं लर्निंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक हैज़ प्रोपाउंडेड, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं उन्होंने क्या प्रतिपादित किया था। इन्होंने किया था थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, मतलब कि परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और जल्दी आपके साथ मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।